चक्रवाती तूफान निसर्ग ने गुजरात और महाराष्ट्र में अपनी दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में हवा के कम दबाव का क्षेत्र अब डीप डिप्रेशन में बदल चुका है। इससे इस तूफान के और ताकतवर होने की आशंका बढ़ गई है। माना जा रहा है कि 3 जून को यह निसर्ग तूफान उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा। तूफान के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र के साथ साथ मुंबई में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो अम्फन के बाद ये निसर्ग तूफान और इसको लेकर की गई तैयारियों के बाद ये कहा जा रहा है कि ये ताकतवर तो है, लेकिन इंतज़ाम कुछ बेहतर करने की कोशिश की गई है ताकि नुकसान कम से कम हो। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इसने अपना जो दिशा है वो बदली है और अब इसकी जद में कुछ और इलाके आएंगे, लेकिन कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा इसका आकलन ही सिर्फ किया जा सकता है और असल तस्वीर जब तक सामने नहीं आएगी तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं, आशीष सिंह जुड़ गए हैं भाई अंदर मुंबई से, महाराष्ट्र के पालघर से जुड़े हुए हैं दिवाकर सिंह, अभिषेक पांडे हैं मुंबई से हमारे साथ, मरीन ड्राइव से जुड़े हैं अहमदाबाद से हमारे सहयोगी जनक जुड़े हुए हैं। जनक, सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या खबरें आ रही हैं गुजरात से निसर्ग को लेकर। देखिये अर्पिता, एक गुजरात के राहत की बात, फौरी राहत की बात जिसको कह सकते हैं वो ये है कि पहले जो लैंडफॉल मुंबई और खासतौर पर दमन के बीच में होना था वो अब यहाँ पर नहीं होना है, क्योंकि जिस तरीके से साइक्लोन बनने से पहले डीप डिप्रेशन बना और उसके बाद साइक्लोन बनता है, उसके बाद सुपर साइक्लोनिक सिस्टम ये जब तब्दील होगी उसी से पहले उसने अपनी दिशा बदल दी है। तो अब आप कह सकते हैं अलीबाग जो सबसे बड़ा जो प्रभावित क्षेत्र हो सकता है ऐसा अनुमान है फिलहाल। अभी भी इंतजार करना होगा क्योंकि अगले 6 घंटे में डीप डिप्रेशन साइक्लोनिक सिस्टम में तब्दील होगा, उसके बाद उसकी एग्जैक्ट दिशा पता चल पाएगी। लेकिन फिलहाल दक्षिण गुजरात में जो 4 जिले हैं वहां पर भारी से भारी बारिश और 90 से 100 की रफ्तार से हवाएं, तेज हवाएं चलने के अनुमान लगाया गया है मौसम विभाग ने। और आज सुबह जो डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारियों की जो हाई पावर कमेटी है उनके साथ जो मुलाकात हुई उसमें इस बात का जिक्र किया गया। फिर भी सरकार किसी भी तरह की कोताही बरतना नहीं चाहती, इसके चलते कल ही 15 जितनी एनडीआरएफ की टीमें दक्षिण गुजरात के प्रमुख जो 4 जिले हैं सूरत, नवसारी, तापी और उन इलाकों में लोगों को इवैक्यूएट करने की प्रक्रिया आज सुबह से ही शुरू हो चुकी है। तो लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। तो आप बता रहे हैं कि किस तरह से हालात थोड़े बदले हैं लेकिन उतने संकट पूरी तरह से टला नहीं है। जरा मुझे अभिषेक बताइए कि आप मरीन ड्राइव पर मौजूद है, 3 जून को एक्सपेक्टेड कहा जा रहा है कि शाम के वक्त तक ये नुकसान ज्यादा पहुंचाएगा, अभी फोरकास्ट क्या आ रहा है मौसम विभाग की तरफ से? देखिए मौसम विभाग ने जिस तरीके से प्रीति कहा है कि अब करीब 6 घंटे के बाद जब वो साइक्लोन के तौर पे तब्दील हो जाएगा तो मैं इस तरफ तस्वीरें दिखाऊंगा। ये है अलीबाग का इलाका जहां पर ये अनुमान जताया जा रहा है कि अब जो गुजरात की तरफ लैंडफॉल होना था उस साइक्लोन का अब अलीबाग की तरफ लैंडफॉल होगा, और जिसको लेकर के अभी जो स्पीड है वो है करीब 11 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन जैसे जैसे वो लैंडफॉल के लिए आएगा वो स्पीड हो जाएगी 100 से 120 के आसपास, और 4 एनडीआरएफ की टीमें अकेले अलीबाग में डिप्लॉय की गई हैं। जैसे ही इसने तूफान ने अपनी दिशा बदली उसके बाद 4 एनडीआरएफ की टीमें वहां डिप्लॉय की गई हैं, वहां पर धारा 144 लगा दी गई है ताकि कोई भी व्यक्ति घरों से बाहर न निकले। जो समुद्री किनारे पर रहने वाले लोग थे उन सभी को हटा लिया गया है, साथ ही पूरे महाराष्ट्र भर में करीब 15 टीमें तैनात हो गई हैं ताकि किसी भी खतरे से निपटा जा सके। साथ ही इम्पॉर्टेंट बात यह है जो मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 4 जिले महाराष्ट्र के ऐसे हैं, खासकर पालघर, ठाणे, मुंबई और रायगढ़, 4 जिलों में काफ़ी तेज बारिश हो सकती है, और उसको लेकर के फिर से एक बार वाटर लॉगिंग की समस्या मुंबई में हो सकती है और उसके लिए तैयार रहना होगा बीएमसी प्रशासन को और तमाम सारे लोगों को। दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह है कि कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। आपने मुंबई के साथ पालघर और ठाणे का जिक्र किया, पालघर से हमारे रिपोर्टर भी जुड़े हुए हैं, मैं चाहती हूं कि मैं उनका रुख करूं। दिवाकर है हमारे साथ, दिवाकर जरा बताइए, ये कहा जा रहा है कि ये अभी तक का सबसे गंभीर चक्रवात है जिसका सामना करना पड़ेगा पालघर के लोगों को।
बिल्कुल प्रीति, जिस तरह से स्थिति बनती दिख रही है साइक्लोन की, उसको देखते हुए पालघर भी एक ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हो सकता है, और इसी को देखते हुए जो लोकल प्रशासन है पालघर का और एनडीआरएफ की खबर महत्वपूर्ण आ रही है। आदेश गुप्ता उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर रहे हैं, जिनको लेकर जो जानकारी आ रही है वो ये कि आदेश गुप्ता को दिल्ली बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आदेश गुप्ता को दिल्ली का नया अध्यक्ष बीजेपी की तरफ से बनाया गया है। मनोज तिवारी की जगह आदेश गुप्ता ने ली थी। दिल्ली चुनाव के दौरान मनोज तिवारी को लेकर कई तरह के जो विवाद थे वो खड़े हुए थे, लेकिन इस बीच आदेश गुप्ता को दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। हमारे साथ अमिताभ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, ये बदलाव कोरोना काल के दौरान किस तरह से देखा जाए इसको? देखिए, बड़े दिनों से ये पेंडिंग था ये मामला, और जब से दिल्ली में पार्टी चुनाव हारी थी और मनोज तिवारी का कार्यकाल भी पूरा हो गया था, और मनोज तिवारी ने सूत्र बताते हैं उसी समय इस्तीफा भेज दिया था, तो 3 साल के कार्यकाल के बाद नया अध्यक्ष चुना गया है बीजेपी का। जेपी नड्डा ने आदेश जारी भी कर दिया, पार्टी के अध्यक्ष है, और आदेश गुप्ता नॉर्थ दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर भी रह चुके हैं, बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं। देखते हैं वो दिल्ली की कमान कितनी हद तक आगे ले जा सकते हैं, आम आदमी पार्टी से किस हद तक जूझ पाते हैं। जी, आदेश गुप्ता को लेकर जैसे आप बता रहे हैं, उन्हीं का नाम क्यों, क्या कोई और नाम नहीं था चर्चाओं में? देखिए, कई चेहरों पर पार्टी दांव लगाती है, कई नए चेहरे होते हैं, लेकिन नए चेहरों पर दांव लगाकर पार्टी उनको आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि ग्रास रूट की पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं और नॉर्थ दिल्ली में मेयर रह चुके हैं, तो हो सकता है एक नए चेहरे को सामने लाकर पार्टी आगे की लड़ाई लड़ना चाहती है, और किसी गुटबाजी से बचते हुए कि जो किसी के गुट का ना हो, और गुटबाजी से आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है एक नया नाम सामने आया हो। ये अभी इस वक्त इस तब्दीली को किस तरह से देखें, क्योंकि आप कह रहे हैं कि नॉर्थ दिल्ली के वो मेयर रह चुके हैं और उनको दिया गया है, कोई खास तौर पर कोई रणनीति है इसके पीछे? देखिए, पार्टी में रिशफल का दौर चल रहा है, मैं आपको बता दूं, अभी आज भी छत्तीसगढ़ के भी बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान किया गया है, विष्णु देव साईं छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष ऐलान किए गए हैं। मणिपुर का प्रदेश अध्यक्ष बदला गया, क्योंकि वहां का प्रदेश अध्यक्ष वहां शिक्षा मंत्री बन चुके हैं, इसलिए उनको 3 राज्यों का भी ऐलान हुआ है, और पार्टी में जल्द ही संगठनात्मक फेरबदल ऐलान होने वाला है। जेपी नड्डा की टीम भी हो सकता है इस महीने ऐलान हो, तो ये तमाम चीजें हैं, सरकार से लेकर संगठन में परिवर्तन का दौर है अभी, तो अभी आने वाले दिनों में और भी ऐसे परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे। हालांकि चुनाव पश्चिम बंगाल और बिहार में है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है शफल जो है वो पूरी तरह से इसलिए किया जा रहा है कि एक नया रूप दिया जाए पार्टी को, क्या इस तरह से देखें इसको अमिताभ? देखिए, बिहार और बंगाल का अध्यक्ष, बिहार में भी अध्यक्ष अभी 6 महीने पहले ही उनका कार्यकाल पूरा हुआ था, और डॉक्टर संजय जायसवाल को वहां पर अध्यक्ष बनाया गया है, वो विंटर जब दिसंबर की ही बात है, तो ये ज्यादा बहुत पुरानी बात नहीं है, उनका 3 साल का कार्यकाल है। संजय जायसवाल चलेंगे बिहार में, और उनके नेतृत्व में पहली बार वर्चुअल रैली होने वाली है अभी, तो ये बदलाव की प्रक्रिया है और संगठनात्मक फेरबदल है, ये लगातार चलता रहता है, लेकिन जल्दी ही मैं आपको बता रहा हूँ जेपी नड्डा की नई टीम, जिसमें नए महासचिव होंगे, कई नए चेहरे हो सकते हैं, वो जल्दी ही इस महीने में ऐलान हो सकता है। जी अमिताभ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मनोज तिवारी की जगह आदेश गुप्ता होंगे अब दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष। दिल्ली चुनाव में जिस तरह से हार का सामना देखना पड़ा था बीजेपी को, उसके बाद से ही कहा जा रहा था कि मनोज तिवारी का पत्ता कट सकता है, उनका कार्यकाल भी पूरा हो रहा था, उसके बाद अब आदेश गुप्ता को दिल्ली बीजेपी की इकाई की कमान सौंपी गई है। इधर मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में हवा के कम दबाव का क्षेत्र अब डीप डिप्रेशन में बदल चुका है, इससे इस तूफान के और ताकतवर होने की आशंका है। माना यह जा रहा है कि 3 जून को यह निसर्ग तूफान उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा। तूफान के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र के साथ साथ मुंबई में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र में निसर्ग तूफान डीप डिप्रेशन की वजह से अब और तेज हो गया है। बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटे के भीतर ये तूफान महाराष्ट्र के कोंकण और मुंबई के समुद्री तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल निसर्ग तूफान डीप डिप्रेशन की स्टेज में है, यानी साइक्लोन से एक स्टेज कम। डीप डिप्रेशन की सूरत में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होती है, इसकी वजह से तटीय इलाकों में ज्यादा नुकसान होने की संभावना होती है। महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात में भी निसर्ग तूफान के कल पहुंचने का अलर्ट जारी किया गया है। तूफान के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की 11 और टीमों को तैनात किया जाएगा। तूफान की वजह से दक्षिणी गुजरात में भारी बारिश की आशंका है। आने वाले 6 घंटों के दौरान डीप डिप्रेशन चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक ये डीप डिप्रेशन सूरत से करीब 670 किलोमीटर दूर है।
इस सर्ग तूफान के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र और गुजरात में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 10 टीमें तैनात की गई हैं और गुजरात में 11 टीमें मुस्तैद हैं। इंपेंडिंग साइक्लोन इन द अरेबियन सी इंपैक्टिंग द कोस्ट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। एनडीआरएफ टीम्स हैव ऑलरेडी बीन प्लेस्ड इन द रिक्वायर्ड टास्क एरियाज as required by the state. Gujarat has got 11 teams and Maharashtra has got 10 teams, mostly in the coastal districts facing the Arabian Sea. दिवाकर, मैं आपका रुख एक बार फिर से करना चाहूंगी। पालघर में आप इस वक्त हैं, जरा बताइए वहां क्या स्थिति है, क्योंकि बारिश के बाद का जो हमने मंजर देखा है वो खासतौर पर मुंबई में बहुत अच्छा नहीं होता है। आप पालघर में बताइए जहां पर ये कहा जा रहा है कि ये चक्रवात भयंकर तरीके से असर करने वाला है। प्रीति, देखिए पालघर में सुबह से ही हल्की हल्की बारिश लगातार जारी है, जो बूंदाबांदी होती है वो कंटिन्यू चल रही है, उसमें कमी नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये है, क्योंकि पालघर भी एक बड़ा केंद्र है साइक्लोन का, इसको देखते हुए जो प्रशासन के अधिकारी हैं और एनडीआरएफ की जो दो टीमें तैनात की गई हैं उनके बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है। जो आसपास के पूरे पालघर में समुद्री किनारे पर गाँव हैं उनमें करीब 45,000 लोग हैं जिनको वहाँ से निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाएगा। इन गाँव वालों को जिनको वहाँ से जाएगा उनके लिए स्कूल की व्यवस्था की गई, उस स्कूल में उनको रखा जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये होगी कि जो कोरोना का दौर है, अगर इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं अगर उनको वहां से निकाल के दूसरी जगह पर रखा जाता है तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग उनके बीच हो पाएगी, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, ये भी प्रशासन के लिए चुनौती है। लेकिन फिलहाल मैं जहां मौजूद हूं, ये पालघर का दहानू बीच है, यहां की तस्वीरें देखिए, मैं आपको एक अपने बाएं तरफ की तस्वीर दिखाता हूं, ये पूरा मार्केट है यहां पर और आसपास जो है गांव है। यहाँ पर इनको मैसेज दे दिया गया है एनडीआरएफ की तरफ से कि आप जो है अपने घर से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर जाएं जहां पर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर आप नहीं जाते हैं तो आज शाम को 4 बजे के बाद प्रशासन खुद आपको जबरदस्ती यहां से आपके घरों से निकालकर वो सुरक्षित स्थानों पर लेके जाएगा। तो साफ तौर पर एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से तैयार है, प्रशासन के संपर्क में है, जो यहां का लोकल प्रशासन है, डीएम है, तहसीलदार है, उनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है, बात की जा रही है और माना यह जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 4 बजे के बाद जो है इन गांवों को खाली कराया जाएगा और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाएगा। प्रीति जी बिल्कुल, और भाईंदर का रुख कर लेते हैं, मुंबई में इस वक्त बताइए क्या स्थिति बनने जा रही है आशीष, क्योंकि मुंबई में जो बारिश होती है तब कहते हैं कि सब कुछ जाम हो जाता है, और इसका असर, इस चक्रवात का असर कैसे होने जा रहा है, उसके लिए तैयारी क्या है? जी, मुंबई से सटा भाईंदर का इलाका है और उसी से सटा हुआ उत्तन का इलाका है। उत्तन में देखें तो इस वक्त समंदर के किनारे के से लोगों को हटा दिया गया है और साफ तौर पे एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो डिप्लॉयड हैं। साफ तौर पे जो निर्देश दिए जा रहे हैं गांव वालों को, उसमें कहा जा रहा है कि वो जो है सुरक्षित रहें, क्योंकि जब तक तूफान आएगा तब तक ऐसे में स्थितियां गंभीर हो सकती हैं। ये सूखी मछलियां जो कि आमतौर पर गर्मी के सीजन में लोग यहां पर सुखाते हैं, वो सारी चीज़ों को लोगों को बटोर लेने के लिए कहा गया है, मछुआरों को दूर रहने के लिए कहा गया है। सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा आप लोगों की, अभी जो है डिप्टी कलेक्टर से एक मीटिंग हुई है, मीटिंग के बाद क्या तय किया गया है, किस तरह की आगे की योजना बनाई है एनडीआरएफ ने, खासतौर पर जब साइक्लोन जो है इस तरफ बढ़ेगा? तो 5th बटालियन एनडीआरएफ पुणे की एक टीम यहाँ पे डिप्लॉयड हो गई है थाने डिस्ट्रिक्ट में, जो उत्तन गांव में आके यहाँ कार्य कर रही है। अभी हमारे साथ मीटिंग हुआ, आईएमडी का जैसा प्रिडिक्शन हवामान अंदाज बताया है उस तरह से हवा तेज चलेगी, जैसे पेड़ गिर सकते हैं, पोल गिर सकते हैं, उसकी वजह से जो रूटीन जो जीवन मान जो चल रहा है वो डिस्टर्ब हो सकता है, तो उसको डिस्टर्ब ना हो वैसी कार्रवाई यहाँ करनी जा रही है। क्या लोगों गांव वालों को जो है यहाँ से खाली कराया जाएगा, कहीं शिफ्ट किया जाएगा? जो समुद्र किनारे जो घर है उसको, घरों को जो लोग रह रहे उसमें से घरों को, गाड़ियों को जो प्रॉपर्टी है उसको वहां से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट करने का कार्य जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। कितने लोग, तकरीबन कितनी फैमिलीज, कितने परिवार, कितने लोग जो है शिफ्ट किए जाएंगे और कहाँ शिफ्ट किए जाएंगे और ये प्रोसेस कब से शुरू होगा? सर, प्रोसेस अभी शुरू हो रखा है, जब से टीम आई है तब से कार्य कर रही है, जिला प्रशासन कार्य कर रहा है, राज्य शासन यहाँ पे कार्य कर रहा है, इनके साथ ही यहाँ पे जो फर्स्ट लेवल पानी के पास जो घर है, तकरीबन इस उत्तन गांव की हम देख सकते हैं, इस गांव की जनसंख्या 10,000
की जनसंख्या है, 10,000 जो लोग जनसंख्या है उस जनसंख्या में से 50% लोगों को इवैक्यूएट करके सेफ लोकेशन में यहाँ से निकाल के शेल्टर में शिफ्टिंग किया जाएगा। 10,000 लोगों को इस ये उत्तन गांव की जो 10,000 की संख्या है उसमें से ज्यादातर लोगों को जो खासतौर पर अगर देखें तो समंदर के किनारे के हिस्से में बसे हुए जो घर हैं गाँव के लोग हैं उन्हें यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा और एक सुरक्षित जगह पर पहुँचाया जाएगा। कहीं ना कहीं तेज हवाएं चलने का जो अंदेशा है उसी के मद्देनजर, इसके अलावा जो बोट्स हैं वो बोट्स कहीं जो खड़ी बोट्स हैं समंदर के किनारे पे वो बोट्स कहीं किसी दुर्घटना का शिकार ना हो उसके लिए भी पूरी व्यवस्था जो है वो की जा रही है। एनडीआरएफ की टीमें जो है वो डिप्लॉयड रहेंगी और कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को किसी भी तरह की कैजुअलिटी ना हो इस दौरान, इस बात का सबसे अहम तौर पर ध्यान रखा जाएगा। जी लगातार आशीष ये जानकारियां हम आगे आपसे लेते रहेंगे। इस बीच तेजी से बढ़ते निसर्ग तूफान के बारे में गुजरात मौसम विभाग ने एक राहत भरी जानकारी दी है। उनका कहना है कि तूफान निसर्ग गुजरात के तटीय इलाकों से नहीं टकराएगा, हालांकि इस तूफान की वजह से दक्षिण गुजरात में भारी बारिश की आशंका है। हम एक्सपेक्ट करेंगे हमारा जो गुजरात स्टेट में अगर इसका इम्पैक्ट देखा जाए तो विंड इम्पैक्ट देखा जाए, विंड वार्निंग हमने दिया है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो दमन रावली वालसाद नौसरी में 80-90 किलोमीटर पर आवर गस्टिंग टू 100 किलोमीटर पर आवर विंड होगा दमन दादरा नगर हवेली वालसाद नौसरी में। देन आपका सूरत एंड भरूच में 70-80 किलोमीटर गस्टिंग टू 90 किलोमीटर पर आवर एंड बाकी जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें 50-60 किलोमीटर पर आवर विंड रहेगा। जनक अभी हम सुन रहे थे कि किस तरह से दक्षिण गुजरात में भारी बारिश की आशंका है, लेकिन इसके लिए तैयारी कितनी है और साथ ही कोरोना काल भी चल रहा है, ऐसे में इस दक्षिण गुजरात में होने वाली बारिश से किस तरह से हालात को बेहतर तरीके से डील किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए प्रशासन के लिए एक तो दोहरी चुनौती है, एक कोरोना काल तो चल ही रहा है उसी में जो लॉकडाउन की स्थिति थी और वहां के जो परिवार थे उनको अब वहां से शिफ्ट किया जा रहा है, जो समुद्री तट के किनारे जो जितने 159 जितने गांव बताए जा रहे हैं उन जिलों में जो समुद्र सीमा से सटे थे और उनको अलर्ट करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन की है और वो जो इवैक्यूएशन है वो अभी से शुरू हो गया है। कई लोगों को उमरगांव और वलसाड पार्टी का जो इलाका है वहां पर उनको स्कूल्स जो है इन दिनों चूंकि समर वैकेशन चल रहा था और ये लॉकडाउन भी था उसके बाद वो स्कूल्स खाली थी तो वो पक्के मकानों में वहां पर शिफ्ट किया गया है और अब चूंकि एक फौरी राहत की बात जैसे मैंने पहले कहा और जिस तरीके से अभी हमने मौसम विभाग के अधिकारी जयंत सरकार को निदेशक को सुना कि गुजरात में लैंडफॉल नहीं होगा। पहले ये था कि मुंबई अलीगढ़ से अलीबाग से होते ये सीधा जो है वो दमन की तरफ आने वाला था लेकिन अब क्योंकि डीप डिप्रेशन बन चुका है और वो साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा उसके बाद सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा ये जो अगले 6 या 8 घंटों में होगी उसकी दिशा अब सीधे अलीबाग की ओर जाती दिख रही है। ऐसे में फौरी राहत जरूर है लेकिन उसका जो रेडियस है वो इतना बड़ा है कि वहां पर 80-90 की स्पीड या कहें 100 की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी और भारी से भारी बारिश होगी। तो कल और परसों ये दो दिन प्रमुख तौर पे जो 4 जिले हैं दक्षिण गुजरात के वहां पर तेज हवाओं के साथ साथ भारी बारिश है। ऐसे में एनडीआरएफ की तकरीबन 12 टीमें वहां पर डिप्लॉय है और भी जरूरत पड़ी तो वहां पर भेजा जाएगा और जिला अधिकारी के कॉल पर ये आने वाला कॉल लिया जाएगा लोगों को। जनक जो आप सारी बातें बता रहे हैं इनको हम तस्वीरों के जरिए समझते हैं, ये 6 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं जो गुजरात के वलसाड में तेज बारिश हो रही है उससे संबंधित है। महाराष्ट्र के पालघर से मछुआरों को वापस बुलाया गया है वो भी आपको हम दिखाते हैं। गोवा में तेज बारिश की तस्वीरें, साथ ही महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में एनडीआरएफ की टीम ने तटीय इलाकों का दौरा किया है। महाराष्ट्र के दहानू में समुद्र में तेज लहरें उठनी शुरू हो गई हैं, कोस्ट गार्ड समुद्र किनारे के इलाके में निगरानी बढ़ा चुके हैं। तो ये 6 तस्वीरें आप समझ सकते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र में जो तैयारियां हैं अम्फन के बाद निसर्ग तूफान को लेकर वो किस तरह से हैं और किस तरह मौसम तेज हवाओं के जरिए बादल कैसे घिरा रहे हैं वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये आने वाले कुछ घंटे चुनौतीपूर्ण हैं महाराष्ट्र और गुजरात के लिए।